गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करूंगा शार्क फिश के बारे में। जो शार्क फिश होते हैं, इंडिटेशन शार्क फिश, उसको भी टाइगर शार्क भी बोलते हैं लोग। वो बहुत सारे लोग भी घर में ला कर रखते हैं, उसको पालते हैं। जो इंडिटेशन शार्क फिश है, मैं रखा हूँ दो। टोटल है मेरे पास 5 शार्क फिश, 2 बड़ा बड़ा और 3 छोटा छोटा है, आप देख सकते हो। और भी मैं गोल्ड फिश, कोई फिश रख रहा हूँ। ये 1 ईयर से है मेरे पास वो 2 शार्क फिश, और साइज़ भी उसका ठीक ठाक है। आप बोलोगे पानी क्यों इतना गंदा है, ये पानी है बहुत सारे। अभी थोड़ा फिल्टर मेरा जो ख़राब हो गया था, मैं स्पंज फिल्टर लगा रहा था ये थोड़ा रिपेयर करने के लिए दिया था मैं, आज ही आया है वो फिल्टर। उसको लगाने से अच्छा भी हो जाएगा पानी। अभी हम आते हैं शार्क फिश को कैसे केयर करें। शार्क फिश को आप जब भी घर में लेकर आते हैं, उसको एक टैंक थोड़ा 2 फीट से बड़ा एक्वेरियम चाहिए उसको, क्योंकि शार्क फिश जल्दी ही ग्रो कर जाते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं। और उसको एक्वेरियम भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 2 फीट से बड़ा होना चाहिए। और एक बात, और जो शार्क फिश बहुत हार्डी फिश होते हैं, उसको थोड़ा ये बिना फिल्टर से भी रह सकता है, ऑक्सीजन एयर पंप से भी रह सकता है। और जैसे कि गोल्ड फिश को केयर कर रहे, ऐसे भी इसको ज़्यादा इतना भी केयर नहीं करने पड़ते हैं। उसको क्वालिटी फिश फूड चाहिए, और आपको ऑप्टिमम फिश फूड इनके लिए बहुत अच्छा होता है। और टायो को भी जो फिश फूड नॉर्मल सा आ रहा है, वो भी ठीक ठाक है शार्क फिश के लिए। और आप फिल्टर ऐड करते हो तो ये बहुत अच्छा बात होता है। आप जब फिल्टर ऐड करते हो, ये जो शार्क फिश बहुत बहुत अच्छा होता है शार्क फिश। मैं आपको ये तो बहुत मेरे पास जो है उसका साइज़ भी ठीक ठाक है और कलर भी कुछ ठीक है। और मैं नीचे थोड़ा स्टोन्स और सैंड वगैरह डाला हूँ। उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 28 टेम्परेचर हीटर ऑन कर देना है। सर्दियों में 28 रख देना है, और उसके साथ में आपको फिल्टर भी ऑन रखना है। और पानी का भी टेम्परेचर थोड़ा पानी का लेवल भी थोड़ा अच्छा रखना है, थोड़ा इतने तक रखना है। और उसका शार्क फिश का भी हम किन किन फिश के साथ रख सकते हैं। एक फर्स्ट में आता है गोल्ड फिश, कोई कार्फ और मॉली गप्पीस, प्यार्टी के साथ भी रख सकते हैं, टेट्रावार, ऑस्कर, पेरोट, उनके साथ आराम से भी रह सकता है शार्क फिश। बहुत फ्रेंडली फिश होते हैं शार्क फिश। और आप टोटोइस के भी साथ उसको रख सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से भी रख सकते हो। और घर में तो वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक रहता है घर में। एक्वेरियम आप जब भी लाते हो, एक दो शार्क ऐसे ही घर में रखने के लिए बहुत सारे लोग भी रखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है एक्वेरियम का। आप भी ऐसे और उसको केयर करने के लिए बहुत इजी होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़। बाय।